दीपावली को लेकर बाजार इस बार काफी गुलजार है। भागलपुर में रंग बिरंगी लाइट पटाखे की दुकान सज गई है। यही नहीं, बाजार में मिट्टी के बने दीपों को भी नया रंग रूप देकर बाजार में सजाया गया है। दो साल के बाद कुम्हारों में उम्मीद की किरण जगी है। उसी उम्मीद पर कुम्हारों की चहर रफ्तार पकड़ने लगी। धीरे धीरे बाजार में ऐसी दुकानों की संख्या भी इस बार बढ़ती दिखी है। बाजार में दिए की हर वैरायटी मौजूद है। 100 रुपये प्रति सैकड़े के हिसाब से दिए मिल रहे हैं। वहीं डिजाइनर दिए की कीमत 10 से 15 रुपये प्रति पीस है। शहर के लोगों ने दिवाली को लेकर तैयारी तेज कर दी है। मिठाइयां, फल, घरौंदा, मिट्टी के खिलौने आदि खरीदना शुरू कर दिए हैं। दुकानदारों ने बताया कि 2 साल बाद इस बार उम्मीद जगी है और नुकसान नहीं होगा। 2 साल से हम लोगों की बिक्री कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई थी। लोगों में उत्साह है और उत्साह पूर्वक मना रहे हैं। बिक्री है लोगों के। कितना का मार्केटिंग हो जाएगा इस बार? लगभग मान के चलिए अपनी दुकान की तो हम समझते हैं 10 के लगभग 10 लाख। भागलपुर में पटाखों के खुदरा व्यवसायी लाइसेंस को लेकर जिले में काफी परेशान थे। अंततः उन लोगों को पटाखा बेचने की अनुमति मिल गई, परंतु खुदरा पटाखा व्यवसायियों का कहना है, अगर 2 दिन पहले लाइसेंस दे दिया जाता तो हम लोग ढंग से दुकानें भी लगा सकते और ढंग से बिक्री भी हो पाती। अचानक 1 दिन पहले बताया जाता है कि आपको लाइसेंस दे दिया जा रहा है और ग्रीन पटाखों के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है, जिससे हम लोग कई बिंदुओं पर प्रतिबंधित हो गए। शायद हमारी आमदनी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी पहले हो पाती थी। पटाखा लाए और पटाखा हम लोग का सर बाहर से आया है, मगर ये जो लाइसेंस देने में जो मतलब लेट किया गया है, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। अगर प्रशासन और हम लोग का माल बाहर से लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुआ। अगर प्रशासन 1 दिन पहले अगर हम लोग को लाइसेंस दे देती तो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा आसानी होता। अगर हम लोग को पहले से टारगेट करता कि जिला स्कूल में ही माल बेचना है तो हम लोग पहले से दुकान लगा के यहाँ रेडी रहते। ऐसे में क्या हुआ, हम लोग का जहाँ पहले दुकान हम लोग लगाते थे, मार्केट में लगाते थे, तो वहाँ पे हम लोग सेटल करके बैठे हुए थे कि यहाँ पे दुकान लगाना है। जब रात में अचानक बोला गया कि यहाँ पे दुकान नहीं लगेगा, आप लोग को जिला स्कूल में दिया गया, तो उससे हम लोग को परेशानी हुआ। वहाँ फिर वहाँ रातें रात हम लोग वहाँ से माल खोले, फिर यहाँ के लगाना पड़ा। बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि वहाँ पर अगर हम लोग जैसे 5,000 का सेल कर रहे थे 1 दिन का, तो मानिए यहाँ पर हम लोग का 3,000 का सेल हो गया, सीधा आधा से भी नीचे गिर गया सर। बहुत ज़्यादा मतलब कि इस बार हम लोग को दिक्कत हुआ है। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के बाबूपुर मोड़ के पास से झोलाछाप डॉक्टर संजय मंडल को शराब पीते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। शराबबंदी को लेकर झोलाछाप डॉक्टर कुछ महीने पहले शराबबंदी मामले को लेकर जिला प्रशासन को फेल बताते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी को गाली देते हुए इनका वीडियो वायरल हुआ था। वहीं खुद ही शराब पीते झोलाछाप डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। झोलाछाप डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल जाँच करवाया, जिसमें शराब पिए जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद इन्हें कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। भागलपुर में काफी धूमधाम के साथ काली पूजा मनाया जाता है। इसकी धूम पूरे सूबे में देखी जाती है। जिले में अलग अलग पूजा समितियों के द्वारा पूजा पंडालों और मंदिरों में बड़ी संख्या में प्रतिमा स्थापित की जाती है। सभी प्रतिमा का एक साथ विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाती है। सभी प्रतिमाएं भागलपुर के मुसहरी घाट स्थित कृत्रिम तालाब में विसर्जित की जाती है। जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब में विसर्जन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर समेत कई अधिकारियों विसर्जन घाट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम से लेकर प्रतिमा के विसर्जन, बिजली व्यवस्था और साफ सफाई के साथ विसर्जन घाट को दुरुस्त करने का निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने व्यवस्था को लेकर बताया कि काली पूजा यहां धूमधाम से होती है, इसको लेकर सारी तैयारियां की जा रही है। एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार कृत्रिम तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जहां विसर्जन किया जाना है। विसर्जन रूट को दुरुस्त किया जा रहा है, लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी, शांतिपूर्ण माहौल में काली पूजा संपन्न होगा। भागलपुर में काली पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और उसके लिए जो आवश्यक तैयारियां होती हैं वो हम लोग कर रहे हैं। विसर्जन का कार्यक्रम, विसर्जन का जो जुलूस निकलता है वो लगभग 36 घंटे तक पूरे शहर में विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए विसर्जन कार्यक्रम 24 से 36 घंटे तक चलता है, तो उसको लेकर के व्यापक तैयारियाँ की गई हैं। हम लोगों ने शांति समिति के साथ बैठक भी की है और जैसा एनजीटी का गाइडलाइन है कि कृत्रिम तालाब में मूर्तियों का विसर्जन होना है, वही हम लोग देखने के लिए आए हैं। कृत्रिम तालाब का निर्माण जो है समय रहते हुए पूरा कर लिया जाएगा और बहुत शांतिपूर्ण माहौल में पूरी काली पूजा को हम लोग संपन्न कराएंगे और फिर छठ पूजा को लेकर के भी हम लोगों की तैयारियाँ चल रही हैं। अभी गंगा का जलस्तर जैसे और नीचे जाएगा तो और तेज़ गति से सारी तैयारियाँ हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। जो
भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर एसडीओ धनंजय कुमार ने दल बल के साथ पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओ धनंजय कुमार ने सूखाग्रस्त पंचायत मिरहट्टी, खानपुर, कठरा, भीरकूड, आसियाचक, मजदी पंचायत का निरीक्षण कर जायजा लिया। एसडीओ धनंजय कुमार ने मीडिया को बताया कि जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर जिला कृषि पदाधिकारी अनिल यादव, सीओ शंभु शरण राय, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू के साथ मिरहट्टी, खानपुर, आसियाचक, भीरकूड, मजदी पंचायत का निरीक्षण किया और वीडियोग्राफी कराते हुए जाँच रिपोर्ट जिले में सौंपी जाएगी। खानपुर पंचायत एवं मजदी पंचायत में सूखाग्रस्त को लेकर विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल के द्वारा जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को आवेदन देकर शिकायत की गई थी। उसी को देखते हुए जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर खानपुर एवं मजदी पंचायत की जांच की गई। खानपुर पंचायत में विभाग के द्वारा 70% से अधिक आच्छादन हुआ है, इसलिए सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। साथ ही मजदी पंचायत में बाढ़ प्रभावित रहा है, फसल वहां के लोगों के द्वारा उपज नहीं के बराबर होने पर सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। खानपुर एवं मजदी पंचायत का निरीक्षण करते हुए वीडियोग्राफी कराई गई, जांच रिपोर्ट जिला को सौंपी जाएगी। इसके अलावा और भी पंचायत की जांच की गई है। भागलपुर में ट्रक चालकों से अवैध वसूली के दौरान एक शख्स को ट्रक चालकों और ट्रक के ऑनर ने मिलकर जमकर धुनाई कर दी। मामला सबौर थाना क्षेत्र के NH80 के फरक्का के समीप का है, जहां ट्रक चालकों से अवैध रूप से धड़ल्ले से वसूली कर रहे एक शख्स को ट्रक चालक ने पकड़कर काफी देर तक बातों में उलझाया और ट्रक ऑनर को बुलाया, जिसके बाद ट्रक ऑनर ने बीच सड़क पर वसूली कर रहे व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में बताया कि जिस व्यक्ति की पिटाई की गई वो सबौर थाना का वसूली एजेंट है, जो प्रतिदिन ट्रकों से वसूली करता है। जानकारी होने के बावजूद स्थानीय पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेती। ट्रक चालकों द्वारा वसूली करने वाले व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भागलपुर में पिछले साल काली पूजा विसर्जन के दौरान कठलबाड़ी पूजा समिति और जवारीपुर काली पूजा समिति की बीच हुई मारपीट के बाद इस बार जिला प्रशासन के द्वारा लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है, जिसको लेकर काली पूजा महासमिति की ओर से दोनों पूजा समितियों के साथ बैठक की गई, जिसमें यह भी निर्णय लिया गया कि इस बार शांतिपूर्ण तरीके से दोनों समितियां विसर्जन जुलूस में शामिल होंगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, जिसको लेकर काली पूजा महासमिति के अध्यक्ष ने बताया कि आज की बैठक में हुए निर्णय को जिला प्रशासन को बताया जाएगा और उन्हें लिखित रूप से दोनों समितियों की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है, जिसको लेकर अवगत कराकर लाइसेंस निर्गत करने की मांग की जाएगी। आज की बैठक का उद्देश्य यह है कि जवारीपुर और कटलवाड़ी दोनों में पिछले बार विवाद हुआ था, मारपीट हो गई थी, इसलिए इस बैठक को रखा गया है कि किसी कैसे शांति व्यवस्था बना के ये लोग लाइन में जाए। इनकी लाइसेंस प्रशासन द्वारा नहीं मिला है अभी तक, और मिलने की संभावना जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं देंगे जब तक कोई भी शांति नहीं बनेगी। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि ये लोग दोनों आपसी विवाद मारपीट हुई थी पिछले बार, उसको देखते हुए प्रशासन ने इनके लाइसेंस को अभी तक रद्द कर दिया है ताकि आगे इसका कोई निदान हो। तो आज हम इस बैठक को कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते हम इस बैठक को दोनों को बुलाए हैं, दोनों समिति को। बैठक में उसका यह निर्णय लिया जाएगा कि आपस में अगर मिलजुल के अगर जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलजुल के जाएंगे तो हम लोग प्रशासन को कहेंगे कि भाई ये लोग अब मिल गए हैं, अब कोई विवाद नहीं होगा, ये लोग लाइन पर कतारबद्ध होकर जाएंगे और अपना समय पर बसाएंगे, कोई विवाद नहीं होगा, ये हम लोग ने लिख के उनको देंगे प्रशासन को। पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप से दीपोत्सव मनाया जाता है। सबका भाव एक ही है, अंधकार को दूर करना और प्रकाश रूपी आत्मज्ञान का विस्तार करना। यही ज्ञान हमें दूसरों के लिए जीना और खुशियां बांटना सिखाता है। इसी बाबत पीस सेंटर परिधि ने अमन के दीपक कार्यक्रम के तहत दीपोत्सव कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के दौरान गीत संगीत रंगोली के भी कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम भागलपुर के लाजपत पार्क मुख्य द्वार पर किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीस परिधि सेंटर के कार्यकर्ताओं के अलावे भागलपुर के कई गण्यमान्य शिक्षाविद, चिकित्सक, समाज सेवी उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने अमन के दीप नाम से दिवाली उत्सव को यहाँ सार्वजनिक तौर पर मनाने का ये आयोजन किया है। आज़ादी के 75 साल पूरा हो रहे हैं, ये भी एक खुशी की बात है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो आज़ादी के शहीद हैं उन शहीदों के तस्वीर यहाँ पर टांगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यह जो दिवाली है ये उत्साह, समृद्धि और आपस में प्रेम बांटने का त्यौहार है, एक दूसरे को मिठाई खिलाने का त्यौहार है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिल करके इस देश में अमन के दीप जलाएं। मैं सुबोध कुमार, अर्थ एसआरएन ड्रीम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से
तमाम बिहार वासियों एवं भागलपुर वासियों को दीपावली एवं छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ कि माँ लक्ष्मी आप सबों के घर पधारे और हर साल की तरह इस साल भी खुशियों भरा पर्व में हम लोग उमंग से इस पर्व को मनावें और खुश रहें। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार भागलपुर के सारे निवासी एवं बिहार के सारे निवासी को दीपावली, काली पूजा एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी को खुशियों से भर दे। अंत में फिर से धन्यवाद। मुकेश यादव वरिया उपाध्यक्ष महानगर राजद सह अध्यक्ष उपकार क्लब बूढ़नाथ भागलपुर की ओर से तमाम भागलपुर एवं बिहार वासियों को दीपावली, काली पूजा एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबों का आने वाला त्यौहार मंगलमय हो। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।